गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ उत्तक चैप्टर के एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। उत्तक चैप्टर में अभी तक हमने आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके पादप उत्तक में जो विभज्योतक है वो डिस्कस कर चुका हूं, और आपके जो स्थाई उत्तक है उसमें आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो कि सरल स्थाई उत्तक होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एपिडर्मिस से। इसके बारे में पहले भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एपिडर्मिस, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, मतलब किसी भी आपके पेड़ पौधे पे जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यह पौधे की बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, मतलब मोम जैसे जल को अंदर आने नहीं देता ना बाहर जाने देता, उसी तरीके से ये मोम जैसी एक परत बनाती है ताकि जो पौधा है उससे जल का हानि ना हो सके। यह जल हानि, यांत्रिक आघात मतलब बाहर से कोई जानवर हमला करता है तो उससे बचाती है, और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है, कोई परजीवी पौधे के अंदर घुस ना पाए। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है। शुष्क स्थान मतलब जहाँ पे आपका सूखा है, सूखा पड़ता है, जहाँ पानी की वैसे ही बहुत कमी है, तो वहाँ पे ये पौधे के ऊपर एपिडर्मिस की एक परत होती है जो वो मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे पत्ती जो होती है पेड़ की, उसके ऊपर भी एपिडर्मिस होता है, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा होता क्या है, तो स्टोमेटा के को दो वृक्क मतलब किडनी के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। तो स्टोमेटा एक छोटा छिद्र होता है और ये छिद्र को खोलने और बंद करने का काम रक्षी कोशिकाएं करती है, और इनकी आकार कैसा होता है, वृक्क जैसा, किडनियों जैसा। स्टोमेटा काम क्या करता है, तो स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके अलावा वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्प के रूप में पानी का निकलना। कई बार पौधे में जो जल है वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है जो कि पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वाष्पो उत्सर्जन एक विधि है जिसके द्वारा वाष्प के मतलब भाप के रूप में जो पानी है वो पौधे से बाहर निकाला जा सकता है, और ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। जो जड़ें होती है वहाँ भी एपिडर्मिस होता है, वहाँ पे इसका काम होता है पानी को सोखने में मदद करना। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी एपिडर्मिस में क्यूटिन एक आपका रासायनिक पदार्थ है, उसका लेप होता है। क्यूटिन का काम होता है जल अवरोधक। तो क्यूटिन क्या होता है, यह जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, मतलब जल पौधे से बाहर ना निकल जाए तो एपिडर्मिस जो होता है उसमें क्यूटिन का एक लेप होता है। उसके अलावा एक और शब्द लिखा हुआ है आपके बुक में जो है सुब्रीन। सुब्रीन भी एक रसायन होता है जो पेड़ की छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। जो हमारा पौधा जब बड़ा हो जाता है, वो एक वृक्ष बन जाता है, तो उसके ऊपर छाले आ जाती है जो कि उसकी रक्षा करती है जानवरों से, अग्नि से, बाकी चीज़ों से। तो ये जो पेड़ की छाले होती है उसके ऊपर एक रसायन होता है, उसे सुब्रीन कहते हैं, और ये हवा और पानी से छालों को अभेद्य बनाता है, मतलब रक्षा करता है। तो ये था आपका एपिडर्मिस, जो कि पहले भी डिस्कस हो गया था। एक दो नए पॉइंट है जैसे क्यूटिन, सुब्रीन, इनके बारे में हमें आज पता चला। अब चलते हैं जटिल स्थाई उत्तक। तो आपके जो पादप उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल स्थाई उत्तक। स्थाई उत्तक मतलब दो तरह के होते हैं, वो है एक तो सरल और दूसरा होता है जटिल स्थाई उत्तक। तो जटिल स्थाई उत्तक में हम दो पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जटिल स्थाई उत्तक होता क्या है स्टूडेंट्स। तो जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं,
और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। कहने का मतलब है, हमें ये पता है उत्तक, आपने परिभाषा भी पढ़ी है, उत्तक का मतलब होता है एक ही आकार के और एक ही काम करने वाले कोशिकाओं का संग्रह, एक साथ मिलकर जो काम करते हैं। पर जो जटिल स्थायी उत्तक है ये थोड़े से अलग होते हैं, ये बनते तो कोशिकाओं से ही है, पर जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और ये सब मिलकर एक ही जैसा काम करती है, ठीक है। उन्हें जटिल, इसलिए इन्हें जटिल बोला जाता है, क्योंकि जो कोशिकाएं है वो एक ही तरह की ना होकर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है, पर मिलकर ये एक ही जैसा काम करती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं संवहन उत्तक के उदाहरण दीजिए, तो जो जटिल स्थायी उत्तक है उन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण ये है क्योंकि ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन का मतलब होता है जो पौधा होता है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को ले जाना, इसे संवहन कहते हैं। संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, तो वो काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं, जटिल उत्तक करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जाइलम बना किससे होता है, तो यह चार प्रकार के आपके कोशिकाओं से बना होता है। सबसे पहला ट्रैकिड, ट्रैकिड जिसको वाहिनिका भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है वाहिका। तीसरे नंबर पे जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आपको पता है चीज़ों के भंडारण में इस्तेमाल होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा है जाइलम फाइबर, फाइबर को रेशे भी बोलते हैं, से मिलकर बना होता है। तो चार चीज़ों से मिलकर बना है जाइलम, पहला है ट्रैकिड, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती है कि जाइलम किन से मिलकर बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है जाइलम की कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है और अधिकतर कोशिकाएँ मृत होती है। तो जाइलम में जो कोशिकाएँ हैं वो अधिकतर क्या होती है, मृत होती है। जाइलम का काम होता है, अब जो काम के बारे में पता चलेगा, तो जाइलम का काम होता है पानी और खनिज लवण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करना, ठीक है। तो इसमें ये कौन करता है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रैकिड और वाहिका की संरचना नालिकार होती है, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का उधर अधर संवहन होता है। इसका मतलब होता है उधर अधर का ऊपर की ओर, मतलब आप ये शब्द लिखने की जगह ये भी लिख सकते हैं कि खनिज लवण का ऊपर की ओर संवहन होता है। तो जो खनिज और लवण होते हैं वो जड़ों से पौधा अपने अंदर लेता है और उसको पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना होता है, जो कि ऊपर की तरफ उसे बढ़ना होता है। तो ऊपर की तरफ जल और खनिज लवण को कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। और जाइलम में कौन लेके जाता है, जाइलम के कौन से दो हिस्से, ट्रैकिड और वाहिका, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो नाली की तरह होती है। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा मैंने कहा था भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है, तो भोजन का ये संग्रह करके रखता है। जाइलम फाइबर सहारा देने का कार्य करता है। तो जाइलम चार चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें ट्रैकिड और वाहिका का काम होता है पानी और खनिज लवण को ऊपर की ओर लेकर जाना, और जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन का संग्रह करना, और जाइलम फाइबर का काम होता है सहारा देना। तो ये था जाइलम के बारे में, जिसका काम है, जाइलम का क्या काम होता है, पानी और खनिज लवण का संवहन करना, संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करना। अब बढ़ते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम, फैसे फ्लोएम, फैसे ही फूड होता है, फूड मतलब खाने का, तो खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम सबसे पहले किससे बना होता है, तो ये भी चार चीज़ों से बना होता है। सबसे पहली है यह चालनी नलिका, चालनी नलिका जिसको अंग्रेजी में सीवी ट्यूब्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है साथी कोशिकाएं, तीसरे नंबर पे है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथे नंबर पे है फ्लोएम फाइबर। तो इन चारों से मिलकर फ्लोएम उत्तक बनता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार होती है। तो जो चालनी नलिका होती है उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं और ये नलिकार आकार की होती है, नली जैसी होती है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति कराता है। फ्लोएम जो होता है, अब फ्लोएम से हमें भोजन को
पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना, भोजन की आवश्यकता तो हर एक हिस्से को होगी, इसलिए जो फ्लोएम है वो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। जो जाइलम है वो सिर्फ ऊपर की ओर ही गति करवा सकता था, पर फ्लोएम दोनों ओर गति करा सकता है। ये दोनों में फ़र्क भी होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जो खाना है, अब आपको पता है जो खाना होता है वो हरे भाग में बनता है, तो हरे भाग मतलब पत्तियों में, तो पत्तियों में जब खाना बनता है तो उसके बाद उस खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना होता है, जो काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम फाइबर मृत कोशिका है। तो फ्लोएम चार चीज़ों से बना है, उसमें जो फ्लोएम फाइबर होती है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। उसके अलावा जो चालनी नलिका है, साथी कोशिकाएं है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ध्यान रखना है फ्लोएम में सिर्फ एक ही कोशिकाएं मृत होती है जो कि फ्लोएम फाइबर वाली होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि फ्लोएम में मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है फ्लोएम फाइबर में। तो ये था आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि आपकी जटिल स्थाई उत्तक में आपके आती है। आइए अब बढ़ते हैं जंतु उत्तक की तरफ। तो जंतु उत्तक में आज एक आपका जंतु उत्तक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जंतु उत्तक, जंतु मतलब हम जैसे मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, इनके अंदर जो उत्तक होते हैं वो तो टोटल चार तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथीलियमी, दूसरा होता है संयोजी, तीसरा होता है पेशीय उत्तक और चौथा होता है तंत्रिका उत्तक। तो आइए शुरुआत करते हैं एपिथीलियमी उत्तक से। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जंतु के शरीर को ढकने या रक्षा प्रदान करने का काम एपिथीलियमी उत्तक करते हैं। तो एपिथीलियमी उत्तक का काम क्या होता है? जंतु के शरीर को ढकना और रक्षा प्रदान करना। यह अलग अलग प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हमारे अंग होते हैं और अंग मिलके तंत्र बनाते हैं। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग काम करने के तंत्र है, जैसे खाना खाने के लिए पाचन तंत्र है उसको पचाने के लिए, और ऐसे ही शरीर के मल को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है। तो अलग अलग तंत्रों को एक दूसरे से अलग करना भी ज़रूरी है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और वो काम कौन करता है? एपिथीलियमी उत्तक। उसके अलावा तीसरा पॉइंट देखते हैं, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, अस्तर मतलब अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर का हिस्सा होता है, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली एपिथीलियमी उत्तक से बने होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है एपिथीलियमी उत्तक के। ये नीचे मैंने एक आपका डायग्राम बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें भी आपको उदाहरण सभी मिल जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट में सिर्फ आपको उदाहरण लिखे हुए, जो कि आपको अभी नीचे भी मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, एपिथीलियमी उत्तक कितने प्रकार का होता है और उनके क्या क्या उदाहरण है। ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत आती है अगर वो इनको याद नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह लिख दी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले एपिथीलियमी उत्तक चार प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सरल सल्की, दूसरे नंबर पे घनाकार, तीसरे नंबर पे स्तंभाकार और चौथे नंबर पे है स्तरित शल्की एपिथीलियमी उत्तक। तो चार प्रकार का होता है। सबसे पहले देखते हैं सरल शल्की। तो सरल शल्की एपिथीलियमी जो उत्तक होते हैं वो चपटी होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है, चपटी मतलब फ्लैट होती है, ठीक है। अगर आप रोटी जैसे बनाते हो तो रोटी बनाते वक्त हम उसे चपटा करते हैं, उसे फैला देते हैं, कुछ ऐसे फैली हुई होती है इसकी कोशिकाएं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो रक्त नलिका का अस्तर, तो जो हमारी रक्त लेने, रक्त एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो नलिकाएं होती है उनका जो अस्तर होता है, अस्तर मतलब अंदर का जो हिस्सा होता है, वो सरल सल्की एपिथीलियमी उत्तक से ही बना होता है। दूसरे नंबर पे जो कुपिका होती है, कुपिका मतलब आपका जो हमारा फेफड़े होते हैं उनके अंदर एक हिस्सा होता है कुपिका, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कुपिकाओं के जो अंदर का हिस्सा होता है वो भी इन्हीं से बना होता है। आहार नली,
जो हमारी आहार नली होती है, भोजन को ले जाने वाली नली होती है, उसके अलावा मुंह का स्तर, हमारे मुंह के अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें जो अंदर की आपकी लाइनिंग होती है वो भी सरल सल्की से ही बनी होती है। तीसरा पॉइंट इसमें है, कोमल अस्तर का निर्माण करती है। तो जो सरल सल्की होती है वो हमेशा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। हमारे शरीर के अंदर अगर जो अस्तर है कई जगहों पे, अगर वो कोमल नहीं है तो हमें दिक्कत हो सकती है। कोमल मतलब नरम होना चाहिए। तो अगर आप अपने मुंह के अंदर छू के देखेंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट दिखेगा, बहुत कोमल जो अस्तर है उसका एहसास होगा। जो हमारी अंदर की स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये जो हमारे कई जगहें होती है जहाँ पे कोमल अस्तर की हमें आवश्यकता है, वहाँ पे वो किससे बने होते हैं? सरल सल्की एपिथीलियमी उत्तक से बने होते हैं। तो इसके चार उदाहरण ही आपको ध्यान रखने, एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं, जो आहार नली होती है वो कौन से उत्तक से बनी होती है, ठीक है? अगर आपको कुछ याद ना है, अगर आप एपिथीलियमी उत्तक भी लिख देते वो भी बड़ी बात हो जाती है, पर अगर आपको सरल सल्की याद है तो आपको यही लिखना है, ठीक है? तो रक्त नली का स्तर, कूपिका, आहार नली और मुँह का स्तर, ये सब सरल सल्की से बने होते हैं। अब जो सरल सल्की उत्तक होते हैं, अगर इनकी हम परतें ले ले, परत एक के ऊपर, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे परतें बना दें, तो हमारे स्तरित सल्की उत्तर का निर्माण हो जाता है। स्तरित, स्तरित मतलब स्तर बने हुए हैं, परतें बनी हुई है, उसे हम कहते हैं स्तरित सल्की उत्तक। अब इसका काम क्या होता है? तो कई परतों में व्यवस्थित होती है और त्वचा, त्वचा का निर्माण करती है। तो जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी ऊपर की खाल है जिसको हम स्किन कहते हैं, वो किससे बनी है? वो स्तरित सल्की एपिथेलियमी उत्तक से बनी होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता घनाकार। तो घनाकार उत्तक का काम होता है यांत्रिक सहायता देना। तो यांत्रिक सहायता या सहारा देने का काम ये करता है घनाकार। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारी जो विक्रिय नली होती है, विक्रिय मतलब किडनी, किडनियों से जो नालियाँ आ रही है, नलियाँ आ रही है, उनमें लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है कि नली के अस्तर का निर्माण, तो हमारी लार ग्रंथि जिन नलियों से आती है उनके अस्तर का निर्माण घनाकार उत्तक से ही होता है, प्लस में विक्रिय नली का जो बनती है वो भी घनाकार एपिथीलियमी उत्तक से ही बनती है। अब आखिरी चौथे नंबर पे आती है स्तंभाकार। तो जहाँ अवशोषण और श्राव होता है, मतलब जहाँ हमें चीज़ों को अवशोषित करने की आवश्यकता है, जैसे हमारा पेट में हमारी जो आंत होती है, आते होती है, उनमें जब हमारा खाना गुजरता है उनसे, तो खाने में जो भी आवश्यक पदार्थ है उनको अवशोषित, उनको सोखना होता है, तो वो काम करने में हमारी मदद स्तंभाकार एपिथीलियमी उत्तक करता है। तो जहाँ भी अवशोषण होता है या स्राव होता है, स्राव मतलब किसी चीज़ का निकलना, तो वहाँ स्तंभाकार एपिथीलियमी उत्तक का काम रहता है। तो ये कहाँ कहाँ होता है? एग्जाम्पल है आंत के भीतरी स्तर, जो हमारी आंत होती है उसका जो अंदर का स्तर होता है, अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ, श्वास नली जो हमारी सांस लेने वाली नली होती है वहाँ भी स्तंभाकार एपिथीलियमी उत्तक का इस्तेमाल होता है। स्तंभाकार एपिथीलियमी उत्तक को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें पक्षमाभी उत्तक भी कहते हैं। पक्षमाभी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो श्वास नली होती है वहाँ पे जब ये उत्तक से ये बनाते हैं, ये मदद करता है उसको बनाने में, तो वहाँ पे बालनुमा, छोटे छोटे बालनुमा जैसे हमारे बाल होते हैं शरीर के आंतों के ऊपर, वैसे ये निकले होते हैं और उसे हम पक्षमाभ कहते हैं, इसलिए इन्हें पक्षमाभी भी बोला जाता है। बस आपको याद रखना है पक्षमाभी उत्तक किसे कहते हैं? स्तंभाकार को कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, इसको आप दो तीन बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। तो एपिथीलियमी उत्तक आपका एक जंतु उत्तक का उदाहरण है। जंतु उत्तक जंतु के शरीर को ढकने और रक्षा प्रदान करने का ये काम करता है, और जो हमारे शरीर के जो तंत्र है उनको एक दूसरे से अलग करने का भी ये काम करता है। चार प्रकार का है, सरल सल्की, स्तरित सल्की, घनाकार और स्तंभाकार। सरल सल्की होते हैं वो चपटी होती है उसकी कोशिकाएं, और ये कहा, ये आपको एग्जांपल ज़रूर याद रखने हैं, रक्त नली का स्तर, कूपिका, आहार नली और मुंह का स्तर। उसके अलावा स्तरित सल्की में अपनी जो खाल है, त्वचा है,
घनाकार वृक्कीय नली, वृक्कीय मतलब किडनी की जो नलियाँ होती है, और लार ग्रंथि। उसके अलावा स्तंभाकार का उपयोग होता है आंत, आंत के भीतरी अस्तर और श्वास नली में। तो ये एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी कल जो हम क्लास रखेंगे उसमें इसको दोबारा रिवाइज़ भी करा देंगे, प्लस में आपका आगे का जो हिस्सा है वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।